माय गॉड, वाओ। अपने ना एक हाई एल्टीट्यूड पे अपना घर बनाना, चलकर देखते हैं वहां पर जो पहाड़ है ना, वहां पर चलकर अपना हम घर बनाएंगे। अगली रात भी होने वाली है और यहाँ पर आप मेरा घर देख पा रहे हो। फिलहाल मैंने अपना घर जो है ना कंप्लीट कर लिया है। अब बस इसके अंदर ना डोर लगाने हैं, बेड लगाने हैं, सब छोटा मोटा काम बचा है। और यहाँ पर मैं शिप को मार दूं, क्योंकि अगर मेरे को भूख लगी ना तो खाना खाने को भी कुछ ना कुछ चाहिए। और यहाँ पर मेरे को लग रहा है अगली रात हो चुकी है और ज़ॉम्बीज भी आने वाले हैं। तो ये है सबसे पहले हमारे घर की एंट्री। और फटाफट आप सीढ़ी देखो भाई साहब, मतलब इतनी लंबी सीढ़ी बनाई जैसे महलों में होती है ना, थोड़ी सी उस टाइप की है। तो हमें घोड़ों की तरह ऊपर चढ़ के जाना पड़ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा ताकि इस तरीके से हमें ऊपर ना आना पड़े। और यहाँ पर भी मैंने अंदर एक इस टाइप का एक रूम बनाया है, जिसे अभी मेरे को ऊपर से कवर भी करना है। और यहाँ पर भी मैंने एक ये बनाया था ताकि मैं ढंग से क्राफ्टिंग कर सकूँ ऊपर चढ़ के। तो इस तरीके से अभी मैं बनाने वाला हूँ, कुछ इस टाइप का मैं घर बना रहा हूँ उठ के। तो मेरे हिसाब से अब ऊपर से नहीं आ पाएंगे, ऊपर से मैंने थोड़ा खुला छोड़ दिया क्योंकि अभी मैंने लाइट का कोई जुगाड़ नहीं करा है। वैसे मेरे पास कोल पड़ा है तो मैं टॉर्चेस बनाकर लगा सकता हूँ। चलो गाइस, अभी सुबह हो चुकी है और यहाँ पर ना बारिश भी होने लगी है। और भाई सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को अभी जल्दी से जाना है उस वाले विलेज में और वहाँ पर उनके पास जितने भी बेड है। और ये देखो भाई, अपने घर से सीढ़ियाँ उतरने में कितना ज़्यादा मजा आ रहा है भाई, मतलब बहुत ही सही घर बन गया ये तो। ओके, तो आप ऊपर से देख पा रहे हो, अभी ना मेरे को ऊपर से पूरी ऐसे किला वाली फिनिश देनी है से, बाकी तो मैंने काफी कुछ काम कर दिया है। पांच के आइट रखने वाले हैं या कोई थोड़ी सैंड भी चाहिए मेरे को। अब देखो पहले मैं बनाता हूँ, 16 बनाता हूँ, 16 सही लग रहा है ना, देखा आता है मेरे को भी। अरे भाई भाई भाई, मैं इसकी सेकंड लेयर ओक से करता हूँ। फाइनली घर पूरा बन चुका है। मैंने इसमें एक रिसोर्स पैक भी डाला था, देखो कितना मस्त लग रहा है। इस रिसोर्स पैक की एक मस्त बात है कि इसमें वुड बहुत मस्त दिखती है। ये देखो कितनी मतलब मस्त दिख रही है वुड, और लॉग तो देखो ये देखो मस्त दिख रहा है बहुत। और पूरे घर का टूर दे दो पहले बाहर से, और अब बाहर से देखो आप व्यू। ये मैंने इतने सारे लैंटर्न लगाए हैं ना, इनमें एक एक इनगट खर्च हुआ है आयरन का। वो देखो ऊपर से धुआं निकल रहा है, कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पर थोड़े रोज लगाए मैंने, और डोर तो मैंने आयरन का ही लगाया है। ये घटिया घटिया विलेजर ना घुस जाए, छोड़ो ना, सही लग रहा है। बैक व्यू देखो गाइस का, और स्ट्रक्चर बैक में ना ग्लास के बीच की चीज नहीं आती, वो ऐसा लग रहा है इस ग्लास में फिंगरप्रिंट लगे हुए।